मेरा मेरे बिलमुख्तार, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा TikTok की पावर, कि TikTok की क्या पावर है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं TikTok को, और बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं TikTokers का, लेकिन मैं आज आपको उनकी असल पावर बताऊंगा कि एक TikTok की क्या पावर है एज़ कम्पेयर टू आप Instagram इन्फ्लुएंसर या एक यूट्यूबर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि TikTok किस तरीके से एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म है, और किस तरीके से वहाँ के लोग जो हैं अपना कंटेंट जो है वो उसको पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो टिकटॉक एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत ही ऐसे नाज़ेबा वीडियोस भी हैं जिनके खिलाफ़ पाकिस्तान में बैन हुई, दुनिया भर में बैन हुई, लेकिन बहुत ही कम वक्त में उसने बहुत ज़्यादा शोहरत अपनाई। टिकटॉकर्स जो हैं बेसिकली एक टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 15 से लेकर 60 या 30 सेकंड तक की वीडियो आप बना सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसे एडिटिंग के फीचर्स दिए हुए होते हैं जिसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कंप्यूटर पर जाके या एडोबे खोलें और वहाँ पर जाके उसकी एडिटिंग करें। आप अपने किसी भी मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट्स और एडिट भी कर सकते हैं। तो दुनिया भर में ये एप्लीकेशन आने के बाद हर जगह ये मकबूल हुई, जिसमें सबसे बड़ा यूज़र बेस जो था वो इंडिया से था। इंडिया के बाद पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग थे कि जो इस टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी एक रिसेंटली अंदाजे के मुताबिक 5 करोड़ लोग इस पाकिस्तान के टिकटॉक पर साइन अप हुए हुए हैं, यानी 5 करोड़ टिकटॉकर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। और उसके आप व्यूज़ का अंदाज़ा लगा लें कि एक वीडियो पे रोज़ाना अगर 5 से 10 मिलियन व्यूज़ आते हैं। उसमें कुछ बड़े टिकटॉकर्स, पाकिस्तान के कुछ बड़े टिकटॉकर्स जिसमें जन्नत मिर्ज़ा, नदीम नानी वाला, अली हैदराबादी और सब्जी वाले, और दीगर बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो 1 मिलियन से ऊपर हैं। पाकिस्तान में कई सालों से यूट्यूब मौजूद होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अभी तक 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन उनका क्वालिटी कॉन्टेंट था। लेकिन टिकटॉक पर हमारी आवाम किस तरीके से वहाँ मौजूद, किस तरीके से उन लोगों ने उन इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया जो उसकी अभी तक वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। लेकिन टिकटॉक को बड़ा गहराई से देखने के बाद मेरा ये तासुर रहा कि वहाँ पे कुछ जैसे यूट्यूब पे आप एजुकेशन की वीडियोस मिलती हैं कि आप किस तरीके से खाना बना सकते हैं, किस तरीके से वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे गाड़ी चला सकते हैं, हर चीज़ यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन टिकटॉक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद वहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हमें नहीं मिली, ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान में। लेकिन उसके बरक्स अगर हम यूके, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका या यूरोप के किसी मुल्क के टिकटॉक अगर हम खोलें तो वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चैनल और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छे चैनल मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में उसका गलत इस्तेमाल हुआ, छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, लड़कियाँ जो हैं वो कुछ अच्छी ड्रेसिंग नहीं कर रही उस पर, और फिर वो गाने के डांस बना रही हैं, डांस की वीडियोज़ बना रही हैं, लड़के भी उस तरीके से कर रहे हैं, और इसी तरीके से वीडियोज़ यहाँ पर वायरल हुई। लेकिन टिकटॉक को बुरा कहने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि मलेशिया गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल जो हैं वो टिकटॉक पे मौजूद हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, मलेशिया का जो यूथ अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, हेल्थ के रिलेटेड डिपार्टमेंट है, इवन के जो कोविड की जितनी भी अभी सिचुएशन थी मलेशिया में, वो सारी उन लोगों ने, मतलब सारी नहीं लेकिन बहुत सारी जो है ना टिकटॉक पर रन की, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ऐसी अमाउंट मौजूद थी जिनके पास आपका और मेरा पहुँचना, उनको समझाना किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उसके बाद इस तरीके से कुछ गाने बहुत ज़्यादा वायरल हुए, और वो भी टिकटॉक के ज़रिए हुए, जिसमें बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे जो है जो सिंगर्स थे, जो स्टार्स थे, उन लोगों ने एंडोर्स किया कि टिकटॉक के थ्रू उनके गाने मशहूर हुए हैं। उसके बाद जैसे जन्नत मिर्ज़ा हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहीं जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं जो हूँ जापान शिफ्ट हो रही हूँ क्योंकि टिकटॉक पाकिस्तान बैन हो गया, फिर टिकटॉक पाकिस्तान में खुला, फिर उन्होंने वापस आने का ऐलान किया। इस तरीके से इससे कुछ कंट्रोवर्सी चलती रही। उसके बाद हमने बहुत ही अमीर लोग भी टिकटॉक पे देखे, जो सोना बहुत पहनते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लोगों ने उसको शो ऑफ बोलना जो है शुरू कर दिया कि अब यहाँ पर लोग शो ऑफ कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कि कोई भी इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज़ करे, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप देखते हैं कि 18+ कॉन्टेंट या कुछ ख़राब कॉन्टेंट है तो वो ट्विटर पे भी है, वो इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन जो तमाम प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी है। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल में टिकटॉक को इस कैटेगरी में डालना कि जी अच्छी लोगों की दुनिया नहीं है,
तो ये अल्लाह तो लाम बन जाएगा, फिर ये हमेशा लोग इसको बुरा समझेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे दूसरे मुल्कों के चैनल्स देखे जो ऑफिशियल चैनल हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस तरीके से फिर क्या हुआ कि एक वायरल जो है एक सेलिब्रिटी हैं टिकटॉक की, नदीम नानी वाला, जो इसका नाम नदीम मुबारक है, और वो यूके का लड़का है, पाकिस्तानी लेकिन यूके में रहता है, और उसके वहाँ पे अपने कुछ मोबाइल और एक्सेसरीज और इस तरह की शॉप का कुछ बिजनेस है इंग्लैंड के अंदर। उसने क्या हुआ, वो भी क्योंकि जिस तरीके से प्लेटफॉर्म बढ़ रहा था, उसने अपने कॉन्टेंट डाला वहाँ पर, और तो उसने ज़्यादा अपनी अपनी जो कनेक्शन उसको वहाँ से फॉलोअर्स मिले। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद जो दूसरे टिकटॉकर्स उनको चैलेंजेस देने शुरू कर दिए कि अगर आप ये चैलेंज करोगे तो आपको ये आईफोन मिलेगा, अगर आप ये चेंज करोगे आप ये आईफोन मिलेगा। तो इस तरीके से नदीम नानी वाले ने इसमें बहुत सारे जो आईफोन थे उस तरीके से बांटे, जिसमें कुछ जो है कुछ बहुत सारे जिमनास्टिक दिखाए थे टिकटॉकर, उनको कैश इनाम दिया। तो उसमें एक थे अली हैदरवादी, जिसको सबसे कम वक्त में सबसे ज़्यादा फॉलोअर और सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। अली हैदरवादी को उसने नदी मुबारक ने चैलेंज दिया था कि आप ऊँट के ऊपर, क्योंकि अली हैदरवादी की वॉक बहुत मशहूर हुई थी, तो नदीम नानी वाले ने बोला कि आप ऊँट के ऊपर जो है ना वो स्लो मो वॉक करके दिखाओ तो मैं आपको आईफोन भी दूंगा और दुबई का ट्रिप भी कराऊंगा। तो बहुत सारे जो टिकटॉकर थे जैसे सब्जी वाले और बहुत सारे दूसरे टिकटॉकर थे, और अली हैदरवादी से मिले और उन्होंने उनका वो चैलेंज कम्प्लीट करवाया, जिसके बाद अभी कोविड की सिचुएशन बेटर हुई थी तो दुबई में सारे टिकटॉकर्स मिले, लोगों ने दुबई में अपना टाइम स्पेंड किया, उन्होंने उनको आईफोन दिया और ये सारे मामला हुए। आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने टिकटॉक पे देखा कि वो जो भट्टे वाले हैं, जो टिकटॉकर हैं जो भट्टे पे काम करते हैं, उनकी भी खासी फॉलोइंग है यहाँ पे टिकटॉक पे। उनको नदीम नानी वाले ने ये चैलेंज दिया कि आपने चलती ट्रेन के ऊपर कलाबाजियाँ लगानी तो वो आपको उमरे पर लेकर जाए। अब ये खासी एक तो बहुत इसमें इसका जो एंड है वो नेक है कि आप उमरे पे जाएंगे, आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो ट्रेन पे अगर कलाबाजियाँ लगाएगा तो उसको उसकी जान का ख़तरा है। सही है, अब लोग तो और टिकटॉक पे सिर्फ यही बहस चल रही है कि अभी चैलेंज किस तरीके से कम्प्लीट होगा। ऑब्वियसली वो एक भट्टा मजदूर है, गरीब इंसान है, उसको भी ज़ाहिर है वो उनकी भी ख्वाहिश हैं, ख्वाब हैं कि हम, क्योंकि अब इतने पैसे तो वो जमा नहीं कर सकते कि वो सऊदी अरब जाएँ ज़्यारत करें, मदीना मुनव्वरा जाएँ उमरा करें, तो अब वो भी इस कश्मकश में लगे हुए कि हम कुछ इस तरीके से करें ताकि हम जो है फिर वहाँ मदीना जा सकें। लेकिन इस सिलसिले में अगर उनकी जान को कुछ हो गया और उनकी जान चली गई तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, फिर ज़िम्मेदार कोई भी नहीं होगा, फिर भी गवर्नमेंट पर सारी चीज़ें आएंगी कि आपने इसको बैन क्यों नहीं किया था, आपने अनबैन क्यों कर दिया उसको। तो इस तरह के मामला था। उसके बाद फुलू है, वो भी एक गरीब किसान है पंजाब का, जो उसने टिकटॉक पे वो भी खासा मशहूर है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब आप देखें कि उसने इतनी वीडियोस बना बना के लोगों को इतना इन्फ्लुएंस किया कि एक दुबई बेस्ड एक शख्स है जिसने उसको दुबई बुलाया। सही है, वो शख्स जो कभी सोच नहीं सकता था मैं दुबई जाऊँ, वो दुबई गया, दुबई उसने पर महीना गुजारा, अच्छे होटल्स महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, अच्छे होटल्स में उसने रुका, अच्छे फ़ोन्स उसको गिफ्ट मिले, और आज भी वो वापस जब अपने गांव आया है तो वहाँ पे बड़ा खुशी खुशी टिकटॉक बना रहे हैं, और उसको बहुत सारे स्पॉन्सर मिलते हैं। टिकटॉकर्स के पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट करें, हमारी मार्केटिंग करें, हम आपको इतना इतना पे करेंगे। उसके बाद फेमस मौलवी हैं, फेमस मौलवी की बड़ा फैमिली कॉन्टेंट होता है, बड़ा फ़नी कॉन्टेंट होता है, और अगर जो टिकटॉक देखते हैं तो फेमस मौलवी को फॉलो भी करें जाके, क्योंकि कॉन्टेंट बहुत अच्छा होता है, आप सबके साथ देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इवन देख सकते हैं, तो आप उनको फॉलो करें, उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, टीवी पे भी कई दफ़ा वो आ चुके हैं, और वो पेशा बनाना उनकी अपनी करियाना स्टोर है। तो आप ये देखें कि कौन से लेवल से जो लोग हैं कहाँ तक आज जो है वो जाके पहुँचे। वो कोई दुकान वाला है, कोई मज़दूर है, कोई भट्टा मजदूर है, किसी की दुकान है, कोई खेतों में काम करता है, इस तरह के लोग हैं जो टिकटॉक पे उनको इतनी पसीराई मिली और आज वो अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं और लोगों की नज़रों में भी हैं। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सोशल प्लेटफॉर्म सारे मौजूद हैं, उनको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें ताकि आपको और मुझे फ़ायदा हो आने वाले दिनों में, क्योंकि जो आप आज यहाँ कैमरे के सामने कर रहे हैं ये आपके आगे आने वाले आपकी नस्लों ने भी, आपकी नस्लों ने भी देखना है, हम सबकी नस्लें भी देखेंगी कि कौन से ऐसे लोग गुजरे थे, उन्होंने क्या कॉन्टेंट बनाया था।